साथियों, भविष्य के लिए हमारे इरादे भी साफ हैं और हौसले बुलंद है, ये मेरे केस में कहना नहीं पड़ता है। इस सरकार की पहचान ही है कि जो संकल्प कहती है उस संकल्प के साथ देश को जोड़ती है और संकल्प को सिद्धि में परिवर्तित करने के लिए पूरी शक्ति लगा देती है। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का भी लक्ष्य संभव है, अवश्य संभव है, क्योंकि ऐसी अनेक बातें जो पहले भी असंभव लगती थी उन्हें देश ने संभव करके दिखाया है। साठ महीने में 60 करोड़ आबादी को खुले में शौच से मुक्ति दिलाना असंभव दिखता है। आज ये संभव हुआ है। 3 साल से भी कम समय में 8 करोड़ घरों तक गैस कनेक्शन पहुंचाना, 10 लाख से अधिक गैस डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर खड़े करना, ये सब असंभव लगता था लेकिन संभव हुआ है। हर परिवार को इतने कम समय में बैंकिंग से जोड़ना पहले असंभव लगता था लेकिन आज वो हकीकत बन गया है, संभव हुआ है। देश की एक बड़ी आबादी तक डिजिटल बैंकिंग को पहुंचाना भी पहले असंभव दिखता था, आज देश में हर रोज करोड़ों डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। भीम ऐप और रुपे कार्ड भी इस देश में इतने प्रचलित हो जाएंगे किसने सोचा था, लेकिन आज ये संभव हुआ है। हर बेघर को अपना पक्का घर देना असंभव लगता था लेकिन ये संभव हो रहा है। अब इसमें मैं बीते 6 महीने के नई सरकार बनने के बाद गत 6 महीने में जो भी किया है उसका अगर उदाहरण देने लगूंगा तो कहीं आपका लंच ब्रेक देर हो जाएगी। साथियों, संकल्प से सिद्धि के इसी सकारात्मक और पारदर्शी माहौल में आपके लिए भी अवसरों का विस्तार हो रहा है। आपका हौसला पहले से बेहतर हो, कृषि से लेकर कंपनियों तक में प्रोडक्शन पहले से बेहतर हो और आपके द्वारा वेल्थ क्रिएशन और जॉब क्रिएशन भी पहले से बेहतर हो, इसके लिए सरकार हर तरह से भारत के उद्योग जगत के साथ खड़ी है। भारत की अर्थव्यवस्था को चलाने वाले हर छोटे मोटे व्यक्ति के साथ खड़ी है। मैं इसी मंच के माध्यम से देश के उद्यमी को यही कहूंगा कि आप आगे बढ़िए, आप समर्थ हैं, आप सक्षम हैं। पूरी दुनिया का बाजार हमारे सामने है, पूरी दुनिया को टक्कर देने का साहस हमारे भीतर है। आपका संकल्प, आपका सामर्थ्य, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का भारत का जो सपना है, जो करोड़ों देशवासियों का है, मोदी का नहीं है, करोड़ों देशवासियों का है, उस सपने को पूरा करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाने के लिए मैं आपको निमंत्रित करता हूं। आपकी समृद्ध परंपरा 21वीं सदी के न्यू इंडिया को भी विस्तार देने वाली है।
मजबूत करने वाली है।